हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त तुरंत एक बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। बड़ी खबर ये, कोरोना की दहशत के बीच एक राहत भरी खबर लेकर आए हैं दुनिया के कुछ वैज्ञानिक। जब से संक्रमण फैला है तब से पहली बार कल चीन में कोई नया मरीज सामने नहीं आया है। 3 महीने बाद आप कह सकते हैं चीन से आ रही है दुनिया के लिए अच्छी खबर। कल का पहला दिन था जब कोई नया मामला चीन में कोरोना का नहीं आया सामने। तो जिस जगह से कोविड 19 या कहिए कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई थी वहीं से आ रही एक अच्छी खबर। अच्छी खबर है कि वहां पर अभी कोई नया मामला कल की अगर बात करें तो सामने नहीं आया है। बहुत बड़ी राहत की खबर। और देखिए ये राहत की खबर इसलिए क्योंकि वहां पर जो चेन रिएक्शन हो रहा था कोरोना वायरस के मरीजों से, एक मरीज से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैल रहा था, वहां पर ये चेन जो है वो तोड़ दी है और ये बड़ी खबर आई है। चेन टूटने की वजह से क्या हुआ है, ये चेन टूटने के साथ ही नए मरीजों की तादाद आना कम हो गई है और अब बंद ही हो गई है। लगातार कोशिश की जा रही थी दुनिया भर के देशों में कि जो कोरोना वायरस का ट्रेंड है, जो चेन है वो टूट जाए, और उसके बाद अगर वो चेन टूट जाएगी तो क्या होगा, नए मरीज आना बंद हो जाएंगे। और लगातार कोशिश भारत में भी यही की जा रही है और इसलिए लगातार कहा जा रहा है कि भीड़ घटाओ कोरोना भगाओ। हम कोशिश करेंगे आपको कि किसी तरह हम आपको दुनिया मैं कहां पर कितने पेशेंट हैं ये बता सकें, दुनिया में अभी कोरोना की क्या स्थिति है ये बता सकें। लेकिन इस समय जो खबर आ रही है चीन से, सबसे बड़ी खबर वो ये है, और देखिए हम आपको अभी ये दिखा देते हैं कि कहां कहां पर धारा 144 लगाई गई है। राजस्थान के जयपुर में धारा 144 लगाई गई है, यहां पर 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा नागपुर जो विदर्भ का एक सबसे बड़ा शहर है वहां पर धारा 144 लगाई गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी धारा 144 लगाई गई है। अनंतनाग में भी और कारगिल में भी धारा 144 लगाई गई है, जिसकी वजह से वहां पर भी लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है। दावणगेरे में भी धारा 144 कर्नाटक के लगाई गई है, और ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार जो है कोरोना वायरस के मरीज मिल रहे थे, और जिस वजह से इन इलाकों को सैनिटाइज करने के लिए लोग एक दूसरे के संपर्क में ना रहें, और एक दूसरे के संपर्क में आने की वजह से कोरोना वायरस के जो मरीज फैलते हैं उनको रोका जा सके। और यही वजह है कि लगातार कई शहरों में धारा 144 लगाने के बाद अब कोशिश की जा रही है कि लोगों को इस बारे में और ज्यादा सजग और सावधान किया जाए, और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज शाम को देश को संबोधित करेंगे और साथ में सरकार क्या करने जा रही है, क्या कदम उठाए उसकी भी जानकारी। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।